तो अब लंच की बारी है। तो लंच बनाने के लिए ये है लौकी। देखिए इतने छोटे छोटे काटा गया है, लौकी को काटा है। इसको सरसों वाली सब्जी बनाएंगे और उसी लौकी की सब्जी में ये प्याज को भी बारीक बारीक काटा गया है, इसको लौकी की सब्जी में डालेंगे। और ये प्याज को लंबा लंबा काटा है दम आलू बनाने के लिए, और आलू को बॉईल करके रख दिया है। तो आज दोपहर में बनेगा वाइट राइस, स्टीम राइस, और उसके साथ लौकी की सरसों वाली सब्जी, दम आलू, दाल और खीरे का रायता। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं मम्मी के किचन में। तो लौकी की सरसों वाली सब्जी बनने के लिए ये हमारा छोटा सा सिल है, इस पर हम सरसों का मसाला पीसेंगे। ये है थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा सरसों। कितना सरसों लिया है इसमें? एक चम्मच, एक छोटा चम्मच सरसों। लहसुन और कितने हरी मिर्च? दो तीन हरी मिर्च, जितना आपको तीखा चाहिए। और जीरा, जरा सा जीरा, चुटकी भर जीरा। इतनी चीज़ें मिलाकर, और लहसुन दो चार कलियाँ लहसुन की, उसको मिलाकर अब इसको हम सिल पर पीसेंगे। ये देखिए हम सिल पर ये पीस रहे हैं इसको, और ये सब्जी सिल पर ही मसाला पीस कर बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला पीस कर बिल्कुल तैयार है सिल पर। और ये वापस से मैंने सिल को धोकर अच्छे से यहाँ पर रख दिया है। गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब ये क्या बना रहे हैं सबसे पहले हम लोग? दाल का तड़का लगेगा। कौन सी दाल? मसूर की। मसूर की दाल को पकाकर तैयार कर लिया था मम्मी ने, और अब इसको छौंक लगाएंगे। आज मसूर की दाल बन रही है। पंचफोड़न थोड़ा सा डाल दे। ये पंचफोड़न थोड़े से ऑयल में पंचफोड़न डाल दिया। अब थोड़ा सा अनियन, दाल डाल दिया जो उबाल के रखी थी दाल, उसको डाल दिया। बस हो गया सिंपल दाल तड़का। अब कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा, देखिए इतना ऑयल डाला हुआ है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे? लौकी की सब्जी बनाएंगे। इतना ही तेल चाहिए, ज्यादा तेल नहीं डलता। सरसों जरा सा डाल दिया। अनियन जो बारीक का तो रखा था वो डाल दिया। अब जो लौकी काट के रखा था वो इसमें डाल देना है हमें। हल्दी नमक, बस अभी कुछ नहीं डालना।
मिर्च पाउडर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मिर्च को हमने हरी मिर्च हमने पीसी थी इसलिए नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसको एक मिनट तक ऐसे ही चलाना है। उसके बाद हम इसमें जो सरसों का मसाला पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसको फिर चला लेंगे। अब इसको क्या करना है, ढक के पकाना है। थोड़ा सा पानी लेना कटोरी। अच्छा, एक और कटोरी पानी। आधा कटोरी। ये देखिए आधा कटोरी पानी इसमें डल गया। तो इसमें मसाला भी कम और बहुत कम मसाला और हल्दी भी कम ही डलती है, सब कुछ कम डलता है। अब इसको हमने ढक कर पकाना है। कितनी देर तक लगभग पकाएंगे ढक कर? गैस को सिम कर देंगे और 5-7 मिनट तक इसको ढक कर यूं ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमने ढक के पकाया था आधा आधा पक चुका है। अब इसमें हम एक टमाटर काट के डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फिर से ढक कर फिर से 2-4 मिनट 2-4 मिनट ढक कर पकाएंगे। टमाटर बॉईल हो जाएगा। अच्छा, जब तक टमाटर पक जाए तब तक इसको ढक कर पका लेंगे। तो अब ये बन चुका है। अब क्या करेंगे इसको, टमाटर अच्छे से टमाटर को मिक्स कर लेंगे इसमें, क्योंकि ये पूरा बन चुका है, टमाटर भी पक चुका है, लेकिन इसको थोड़ा मिलाना ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये बन के तैयार है। इसके ऊपर से अगर धनिया का पत्ता है, धनिया का पत्ता डाल के निकाल देना, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अब लौकी की सब्जी मम्मी बना चुकी है, अब बनेगा दम आलू। तो दम आलू बनाने के लिए ये इतना ऑयल डाला है मम्मी ने, सरसों का तेल आलू को फ्राई करने के लिए। इसमें आलू फ्राई होगा। जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे उसको 2-2 टुकड़ों में काट लिया है, अब उसको हम इसमें फ्राई करेंगे। इन आलू को हम फ्राई करेंगे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी आलू फ्राई हो चुके हैं। आलू देखिए फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम 2 डालें चीनी के डाले। इस पे 2 दाने चीनी के डाल दिए। जीरा डाल देंगे। इसमें ये अदरक लहसुन को कद्दूकस करके रखा था वो डालेंगे। और इसमें प्याज जो लंबा लंबा काट के रखा था, अनियन, उसको डाल के आप इसे भूनेंगे। तो ये भून चुका है देखिए, सब अनियन भून चुका है। अब इसमें भुने हुए आलू डाल देंगे। अब इसमें जरा सा हल्दी का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच गरम मसाला 1 चम्मच छोटे छोटे चम्मच सब ना नमक स्वाद अनुसार
तो अब ये सब मसाला डाल चुके हैं। अब इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे और इसको सिम में ढककर पका देंगे। इसको हम ढक के सिम में पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा दम आलू बनकर तैयार है। ना ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा तेल, खाने के लिए बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये सारा हमारा लंच तैयार है। ये है लौकी की सरसों वाली सब्ज़ी, राइस, स्टीम राइस और मसूर की दाल, और ये है दम आलू, और साथ में है ये दही। तो मैं अब खाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।